Good afternoon, students. A warm welcome to online classes. I am Ravi Gansal. This is Technical Basics. Class 5, subject social study, lesson number 11, the scientific meditations. Previously, I am explaining the different here important machines in people in the body. Here instrument also very useful, also doctors and these people also. Next, I am explaining the antibiotic, surgery, anesthesia and vaccine also. So today I am explain the pasteurization. Pasteurization is the process. Here it process is pasteurization or isko invent karne ka kaam kiya tha. This processing all introduced the Lesieux Pasteur. The French chemist discovered that the causes the many diseases in the germs. और उन्होंने ये डिस्कवर किया था जो फ्रेंच के केमिस्ट थे लुईस पास्टर और इन्होंने डिस्कवर किया था ये मेथड पास्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं पास्टराइजेशन का मतलब था निर्जंतुकरण यानी जर्म्स को मारना अभी हम जर्म्स को किस तरह मारते तो वेरी यूजफुल आल्सो दिस मेथड ऑफ द बॉइलिंग वाटर बराबर है हम वाटर को बॉइल करते हैं क्यों क्योंकि वहां से जर्म्स मर जाए और हमें अच्छा पानी मिले इसलिए हम बॉइलिंग करते हैं एंड बहुत सारे डिजीज हमें वाटर से ही होते हैं एवरीबॉडी नो बहुत सारे डिजीज हमें वाटर से होते हैं और इसलिए हमें वाटर बॉइल करके पीना चाहिए जिससे हम बहुत कम बीमार हो हमें बीमारियां ही आल्सो डिस्कवर्ड दैट द मेनी ऑफ दिस जर्म्स कुड बी द कील द हाई टेंपरेचर उसके लिए एक पर्टिकुलरली हाई टेंपरेचर होना ठीक है जिसपे पूरे जर्म्स मर जाते हैं और वो वाटर हमारे पीने जैसा हो और हमें बीमारियां ना हो द मेनी जर्म्स द एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द वाटर एंड मिल्क हम सुबह उठने के बाद पहले वाटर पीते हैं बराबर है क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है वाटर और सुबह मिल्क ये दो चीजें हैं कि हम पीने में यूज करते हैं और इससे ही हमारी बॉडी में जर्म्स आते हैं एंड जर्म्स इन द वाटर ऑफ द मिल्क कैन बी द किल्ड बाय द बॉइलिंग इसलिए जो हम पीने का पानी है या हमारे घर में जो मिल्क होता है जो पीते हैं हम लोग उसको हीटिंग टेम्परेचर देके गर्म करना और बहुत जरूरी उससे वहां के बॉइलिंग करना बहुत जरूरी है जिससे वहां के जर्म्स मर जाए दिस इज द रीजन ऑफ व्हाई शुड बी द ड्रिंक वाटर द मिल्क ओनली आफ्टर बॉइलिंग इट द मेथड ऑफ द किलिंग जर्म्स बॉइलिंग इज कॉल्ड द पास्टराइजेशन और ये जो जर्म्स मार की जो प्रोसेस है जो हम बॉइलिंग करते हैं वाटर इसी को हम पास्टराइजेशन कहते हैं एंड नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पास्टराइजेशन अभी आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीते हैं जिससे हमारा गला और जो भी हमारी खांसी या सर्दी है जिससे हमें प्रोटेक्ट मिले और आपको डॉक्टर भी बहुत बार बॉइलिंग वाटर पीने की भी सलाह देते हैं उसका कारण यह है This is the pasteurization, the killing of the germ, this boiling water, understand? And this is our very important thing. Now next is the antiseptic. Now antiseptic means what? Antiseptic means the killing germs. This is a chemical that kills the germs, which is called antiseptic. Understand? So antiseptic are the chemicals that kill germs, that the first antiseptic septic was discovered by the chase जो लिस्टर और वो पहला जो हमारा एंटीसेप्टिक है जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे जॉन लिस्टर आपके पास बुक से यहाँ पे जो भी पर्सन है उनकी पिक्चर्स दी गई जैसे लुईस पास्टर या जॉन लिस्टर दिस द वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द साइंस एंटीसेप्टिक और द applied on the wound or the injured part of the kill germs. सभी को मालूम है कि हम antiseptic बहुत बार use करते हैं क्योंकि हम खेलते हैं कूदते हैं उसके बाद हमें लग जाता है लगने के बाद जो एरिया रहता है उस पे kills जो germs बैठ जाते हैं उसको kill करने का नाम antiseptic हमारे घर में भी antiseptic available होती है ठीक है वो लगाते हैं हम उससे जो germs है वो जहां पे इंजर्ड हुआ है हमारा प्लेस वहां पे हम लगाते हैं एंड
antiseptic applied on the wound of the injured of the part kills the germs. Antiseptic are also used to wash medical equipment and the cloth before the performing on the operation. और बहुत बार तो ऑपरेशन जब करते हैं तो वो पार्ट जो हम काटते हैं जो भी करते हैं उसको भी एंटीसेप्टिक के बाद में लगाया जाता है कि जहाँ पे कोई भी जर्म्स ना रहे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट आपका एंटीसेप्टिक, ओके, यर किलिंग जर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेसिक हेल्थ केयर। अभी हमने हमारी हेल्थ की किस तरह केयर करें इसके बारे में देखेंगे। To live on the long of the healthy life, we should follow some simple rules of diet. और हमारी लाइफ अच्छी हो, हेल्थी हो, उसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। We should eat on the balanced diet through the given body all the nutrition of the need. हम ऐसा बैलेंस डाइट करें जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सभी चीजें मिलें। Every day we are using all fresh vegetable, fruits, milk, eggs. These are the very important of the pulses every day using. ये सभी चीजें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है और हमारा बैलेंस है प्रॉपर। We should keep surrounding clean, और हमारा सराउंडिंग हमेशा क्लीन हो। They will also prevent the breeding of the mosquitoes and the flies that spread germs. हमें मालूम है कि अगर हमारा एक सराउंडिंग क्लीन ना हो तो उस पे गंदगी भी, मॉस्किटो एंड डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे कीटर जो कि जमा होंगे और वही हमारे लिए बहुत अपायकारक है। आपको मालूम है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉस्किटो से हमें डिफरेंट डिफरेंट डिसीज होती है, राइट। मलेरिया है, फाइलेरिया है, दिस ऑल्सो वेरी डेंजरस डेंजरस जो आज हमें डिसीज दिखती है, ये मॉस्किटो से होती है। और मॉस्किटो कहाँ पे जनरेट होते हैं? हियर अनक्लीन दिस प्लेस, अंडरस्टैंड। We should the keep of the our body clean. We should the keep our body clean. What is the best way of the keep the body clean? शरीर हमारा स्वच्छ हो इसलिए हमें रोज नहाना जरूरी है और ये डेली हमें नहाना जरूरी है। How to possible of the one time? Actually आज की अगर जो global warming pollution के वजह से हमें two times तो नहाना जरूरी है, okay? We should take the regular exercises. Exercises keep your body fit. We should visit the doctor feeling unwell. और हमें exercise करना बहुत जरूरी है daily, ठीक है, जिससे हमारा body better रहे और जिससे flexible रहे, ठीक है, and blood circulation अच्छे से। And अगर आपको unfeel या feel अच्छा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? Doctor के पास जाना चाहिए। So today I'll explain the very important point of plasticizers, antiseptic and the basic health care. So I hope everyone understood. Okay. So today's I'm giving your homework. So oral test second, your homework. So complete the oral test second. Understand?